प्रेजेंट बाय SBF लाइव राजसमंद। दूसरा अध्याय में सूची महाराज जी 28,000 ऋषिया ने कहवा लगा कि हे ऋषिया, पहलो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण की कथा आपरा बीच में होने रू। जैसे सूची महाराज बना 28,000 ऋषिया ने सुनाया, जैसे महाराज गुरु महाराज आदरा युग ने सुनाया, वैस कथा हम आपरा बीच में होने रू। कह सूची महाराज कहवा लगा 28,000 ऋषिया ने, हे ऋषिया पहलो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण वर्ण में कहवा लगा बहुत ही सुंदर तरीके वाली ब्राह्मण कथा ने होनाई है। कई प्रकार कहवे ए जी सूति कहे पुनि कथा रे बुझाई, अरे आगे कियो व्रत सुनो चित लाई। अरे सदानंद ही बड़ा दुख पावे, बोल सत्यनारायण भगवान। सूत्र कहे पुनि कथा बुझाई, आगे क्यों व्रत सुनो ऋषि राय। काशीपुरी विख्यात कावे सदा नंद गणों दुख भावे। काशीपुरी में एक महाराज रहता जनरो नाम हो सूत जी महाराज, सदानंद जी महाराज। सदानंद जी महाराज रो जशो नाम हो, वशो अगर बनारे काम ले जातो तो बनारे कुछ अलग ही काम वे। तो सदानंद जी महाराज नाम हो सदा प्लस आनंद, जशो नाम है वशो काम वे जातो तो सब आनंद वे जातो। सदानंद जी महाराज पूरी जिंदगी गरीबी में काटी। सदन जी महाराज दो तीन बच्चा बच्ची भी है, लुगाई भी है। सदन जी महाराज भी दुख देखता है, छोरो छोरी भी दुख देखता। एक समय री बात, सदन जी महाराज भिक्षा मांगता, भिक्षा मांगता मांगता सदन जी महाराज ने लोग भिक्षा भी नहीं देता। अनेक प्रकार सदन जी महाराज जीवन में कष्ट आयो, क्योंकि देखो जो भगवान जड़ी इंसान रे भगवान से अगर कहीं कर दे तो मैंने कोई कहीं नहीं कर सके। कोई इंसान कोई मनक मनकारे कहीं कर दे तो भगवान हाउ कर सके। कोई डाकण भूत मनकार कहीं कर दे तो भगवान मने चीज में हाउ कर सके। मगर अगर भगवान इस कड़ी इंसान ने कहीं कर दे तो मने कोई कहीं हाउ नहीं कर सके। तो सरंजी महाराज जो दुख अतरो खतरनाक आयो, कोई भिक्षा मांग हो जाता तो मनक वाले ने भिक्षा नहीं देता। मनक वो कहता भाई आगे कटो आगे कटो। सरंजी महाराज आगो आगे घरे जाता, आको आको करता कि भिक्षा हम दे ही। कई रुको सुको वे, कई रात्रि ठंडी हीली रोटी वे, कई राबड़ी वे, तो भिखारी ने गाल जो मारा घरे छोर छोरी भूखा मरा, मारी पत्नी भूखा मर रही। मगर आदरा युग में आप भी यूज करा, आप प्रत्यक्ष प्रमाण आपने कही नहीं कहूं। आदरा युग में अपना घरे भी कोई भिखारी कोई भीख मांगवाई जा कोई तो आप कही कहा यूज कहा भाई हो आल रोटा नहीं बनाया मम्मी घरे है ही कोई नहीं। या बजे कहीं भी आप गाली गलोज कहीं मैंने भिखारी ने अभी बगाई दा। मगर एक रोटी रात्रि भी अगर आप मैंने भिखारी ने दे दा नहीं तो वो मन में एक सांत्वना पड़ेगी यार चलो मैंने रोटी तो दी थी। चाहे वो रोटी कहीं भी करे भली रोटी ने अपने को लेकर आगे बेच दे। आज युग में विशेष तो यो कोई आप इंसान ने भिखारी ने पैसा दा तो वो कहीं करेगा आगू आगे उन्हें रिपा ले और आगू आगे वो भी बिजनेस कर। आज तो जमानो नहीं है, मगर आपका नसीब में अगर लिखो तो कोई तो अपना देना जरूरी छावे। सरन जी महाराज ने कोई भिक्षा भी नहीं देते। एक समय की बात, सरन जी महाराज मन में विचार की दो कि हे जीवड़ा अणि मनक जमारा में कोई भिक्षा भी नहीं दे रो और मु जीवता जीव मारा छोरा छोरी रो पालन पोषण नहीं कर सकू, मारी लुगाई रो मु पालन पोषण नहीं कर सकू तो मने तो अणि देह ने त्याग देनो चाहे, मने कटी कूड़ा वावड़ी देखनो चाहे। और जिंदगी में आप होश देखियो वेला कि नरे जना 100% जना कोई आत्महत्या करे, 50% लोग दुखी वे जो आत्महत्या करे। ताकि कोई कई प्रकार करे कई प्रकार करे आप नहीं जाना, मगर कोई दुखी वे कोई परिवार भरण पोषण नहीं कर पाई रो है, कोई दीवाल वे क्यों है, कोई अन्य प्रकार कोई वे लोग जो आत्महत्या करे। तो सज्जी महाराज आत्महत्या करवा जंगला में जावे, जंगल में जिन आत्महत्या करवा पहली भगवान दिल याद करे, सांवरा सेठ ने याद करे कि हे प्रभु अणी दुनिया में अणी मृत्यु लोग में अणी अणी जीवड़ा रो कोई नहीं है। तो सदन जी महाराज जी बड़ी जंगल में भगवान विष्णु ने याद करे
कड़ी प्रकार याद करता लगा हे भगवान विष्णु। कोई देखो जिंदगी में पूरी पूरी जीवन में कोई भगवान ने याद किया नहीं किया आगे बढ़ा दो, मगर अंत में कोई इंसान अगर मरवारा पहली भगवान ने अगर दिलो याद कर ले तो भगवान उन्हें सब गुना ने माफ कर दे। तो सरन जी महाराज विष्णु भगवान ने वणी चार हाथ वाला ने वणी हजार हाथ वाला ने सरन जी महाराज कई प्रकार याद करते है कि हे प्रभु अणी दुनिया में मारो अणी दुखिया रो आदमी रो कोई नहीं है। अंत में कई प्रकार याद करे कि हे प्रभु अरे आओ मारा नट वरी नागरिया अरे सादा रे क्यों नहीं आयो रे हे संता रे क्यों नहीं आयो रे आवो मारा नठ वर ना करिया भगवान ने अंत समय में याद किया जो भगवान ने अंत समय में याद किया तो भगवान तो सिंहासन डोलियो भगवान एकदम ओच क्या भगवान एकदम ओच गया तो लक्ष्मी जी भगवान ने चरण तो बहरा लक्ष्मी जी को अरे भगवान कहीं वेणा वे गया गई आप एकदम यू किस तरह ओच गया आज तक तुम था अशु कुछ नहीं ओच गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी ने केवल लगो कि हे लक्ष्मी जी अणि मृत्यु लोक में एक सदानंद नाम रो एक प्राणी जो अतरो दुखी अतरो दुखी अतरो दुखी है अब वो आत्महत्या करवा रहा ऊपर निर्भर भी क्यों है। तो हे लक्ष्मी जी मने जानो पड़ी बाकी वो आदमी अगर वो सदानंद जी महाराज अगर मर गया तो जो सब मारा मात्या है। तो भगवान एकदम जावा लगा भगवान एकदम जावा लगा तो लक्ष्मी जी भगवान ने दबे के भगवान डबो वेंडा वेरा गई आप जिस अणि स्थिति में अगर जाओ भाई अणि है जो कुछ था भगवान हो जो जाओ तो वो सदानंद जी पहले हो तो मरी श्री थाने आनी अणि स्वभाव ने अणि रूबरू ने अणि रूप ने देखी हजारों करोड़ों सूर्य चमके जो थाड़ो मुंडो चमके अणि मुंडा ने चमकता मुंडा ने वो सदानंद जी देखी वे तो वटिस मरी जी वे वटिस लांबोड़ी पहुंची जी आप जिसो भगत हैं जिसो भगवान वाणी जाओ तो बिल्कुल भगवान जैसे भक्त हैं वैसे भगवान भी वशिष्ठ भक्त वणिन गया बढ़िया एक लंगी धोती पहरी बढ़िया हाथ में खड़ियो लीदो विष्णु तिलक लीदो बढ़िया एक साधुरो साधुरो वेश धारण करी भगवान विष्णु धरती पे वणी सदानंद जी रा बात सदानंद जी रा कारण सदानंद रा कारज ने सार वाला बात देखो धरती पे भगवान ने आनो पड़े केवर मतलब यो ही से कि भगवान अगर कोई दिलू भगवान ने दिलू याद कर ले नहीं कोई भी इंसान चाहे वो पहले अपना अपना मुंडा के पहले गमंडू रहते हुए गमंड में रहते हुए कि ओ मारा पा खूब रिपाइन मारा पा यू इन मारा पा हूं मगर वो इंसान पे अगर भगवान ने दिलू याद करे तो भगवान ने बड़ी वशीभूत विन आनु पड़े। तो भगवान ने देखो सदन जी रा कारण सदन जी दिल भगवान ने याद किया दिल ने करुण पुकार की दी तो भगवान विष्णु ने रूप धारण कर एक भिखा महाराज रूप धारण कर धरती पे आनु पड़े। भगवान धरती पे आया सदन जी महाराज अपने आत्महत्या करवा जय रहा भगवान अटनू जय रहा। अब सदन जी महाराज मन में विचार की तो कि देखो जिंदगी में मारो कोई बोलना भी पसंद नहीं की तो कोई मारो बोल तो भी नहीं
तो वे महाराज जयराज मारो तो कई बोलेला तो बाप सदन जी महाराज तो जयराज जय श्री विष्णु भगवान भी विष्णु भगवान मन में विचार कर रहा कि ये सदन जी महाराज मारो बोली मारो रामकृष्ण करी रामकृष्ण करे तो मोहन ने व्रत वृत्तांत बताई देऊ तो ए व्रत करी तो ये राज खुशी भेजी सब आनंद भेजी एना ने मरवारो यो मन में विचार है जो छोड़ दे तो सजनो अटनु सदन जी महाराज जयरा अटनु भगवान जयरा जो कि बनी रूप में हां महाराज रा रूप में तो एक दूसरे को क्रोश हो गया कोई कनी बतलाओ ही नहीं भगवान रो भी दिमाग खराब हो मु जनी काम अटे आयो हूं वो काम अगर नहीं भयो तो मार तो आना खोता पड़े भगवान रा भाई जी रो बगड़तो वे जो भगवान पाचे मुड़ी सदन जी महाराज ने बुलावा लागा कि ओ महाराज ओ पंडित जी ओ जावा वाला महाराज सदन जी महाराज पाचे फरी देखे एक मन तो विचार की तो के आज तक मने अत्रो प्यार कोई बतलाओ ही नहीं पर अपने को कोई बोले बोलना भी पसंद नहीं करे अपने कुण बोले भाई मगर फिर भी देखे तो ना अगर पाचे कोई वे तो जो सदन जी महाराज पाचे मुड़ीन देखो तुम्हारी आंखा फाटी फाटी रहेगी मतलब बढ़िया भगवान मणि महाराज रूप में आए तो महाराज रूप ही अच्छा खतरनाक हो सदानंद जी महाराज दिमाग खराब हो गया सदन महाराज हमें देखियो भगवान जो कि महाराज के रूप में आया महाराज केवन लागा कि ओ महाराज कटे जयरा हो कई तो थानो नाम है कई काम है न कई गाम है थानो दो मिनट अटे आओ पे बेटा चाय पानी करा अटे बेटा पानी पीवा सदानंद जी महाराज मन में विचार की तो आज दिन तक मन अतरो प्यार कोई नहीं बुलायो सदन जी महाराज केवल लगा उन्होंने महाराज ने कि ओ महाराज आप अगर मने बुला ही रहो अगर आप मने बुलाए हो तो आप बोलते ही रहो आप बोलते ही रहो आप बोलते ही रहो कहीं कहीं बोलते ही रहो बोली आपने गाड़ा ही दो मगर कहीं कहीं बोलते ही रहो क्योंकि आपरी बोली अतरी मीठी अतरी प्यारी आपरी बोली आपरी बोली मारो मन ने मोह ली तो महाराज आप कहीं कहीं बोलते ही रहो सदन जी महाराज रो मन अतरो राजी है कि भगवान अतरा प्यारा बोलिया क्योंकि सदन जी महाराज रो मन में एक एक भावना ही भाई अशोक मारो कौन बोल सके मगर भगवान अतरा प्यारा बोलिया तो सदन जी महाराज भगवान ने कई प्रकार कई केवल लगा कि हे महाराज आप बोलते रहो आपरी मीठी मीठी वाणी मने अतरी प्यारी लागी रही है तो बजरा माधव कई प्रकार लिखियो एक कवि लोग कहा हे जी प्यारी लागी जी बोली प्यारी लागे अरे आपरी मीठी मीठी बोली प्यारी लागे वो मारा पंडित जी लागे वो मारा पंडित जी अपरा दर्शन माते प्यारा लागे लागे वो मारा पंडित जी अपरा दर्शन माने प्यारा लागे मारा भाई बाबा भगवंत ने प्यारा हरे गया अरे अरे श्याम ए बचपन में मारा भाई बाबा भगवंत ने के क्या प्यारा अरे भाई बंधु मन जान एक लावे सब वे क्या न्यारा ए मारी हालत ने देखी ने पतो लगा जो मारा जो मारा पंडित जी अपरा दर्शन माने प्यारा लागे अपनी मीठी मीठी बोली प्यारी लागे वो मारा पंडित जी लागे वो मारा पंडित जी अपरा दर्शन माने प्यारा लागे अपरा दर्शन माने प्यारा लागे अपरा दर्शन माने बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो तो सजनों
महाराज भगवान ने केवल लगे कि आपनी मीठी मीठी बोली मने प्यारी घनी लागे हो मारा पंडित जी आपरा दर्शन मने प्यारा लागे। तो सजनो भगवान सदानंद जी महाराज ने केवल लगे कि ओ महाराज आप तो कई तो गाम है कशो नाम है और कटे आप रेवो आप कई काम करो जो मने बताओ दो मिनट बैठो आप कटे हूं आपले दापला जाई रहो। तो सजनो सदानंद जी महाराज बना भगवान रूपी जो महाराज वाणी ना है ने केवल लगे कि ओ मारा मारो नाम आप कई पूछो अगर जशो मारो नाम है वैसे अगर मारा कुछ काम भी वे जाता एकादा भी तो कुछ अलग ही काम वे जाता। तो भगवान केवल लगे कि मारो नाम कई है मने बताओ तो गिरी। तो सदानंद जी महाराज नाम महाराज ने नाम बताओ लगे कि वो कम मारो नाम तो है सदा आनंद सदा प्लस आनंद केवल मतलब सदा आनंद जिंदगी में कदी दुखी रो काम नहीं मेवे दुख रो काम नहीं हमेशा जिंदगी पर आनंद ही आनंद मगर आनंद कशोक वे जो मैं तो नहीं देखियो मगर मारा घरे चार पांच ऊंदरा है जना भी आनंद नहीं देखियो मतलब जैसे मारो नाम है वैसे अगर मारो काम वे जो तो कुछ नाम अलग ही वे जाता केवल मतलब दुनिया में भी यही श्रीत है मन करा जैसे नाम में वैसे काम नहीं वे और जैसे काम में बना मन करा वैसे नाम नहीं वे कनोई नाम पे लक्ष्मी बाई वे पगा में एक तामरो कड़लो भी नहीं पेरत वो लक्ष्मी बाई नाम बेबो फायदो गए कनोई नाम पे अगर विद्याधर कोई विद्याधर पुराना नाम विद्याधर राख दे को अबे तो कोई विद्याधर राखे नहीं अबे तो नाम राखे चिंटू पिंटू आईशानी तो पर नाम राखे मगर कनोई नाम पे विद्याधर और विद्याधर जी ने कोर्ट में बुलावे को ओ हुकुम विद्याधर जी महाराज अटे पधारो आप रा साइन करो और विद्याधर जी आईने बटे हूं अंगोटो वो के वो कटे तो अंगोटो लगावे तो ऐसे विद्याधर जी नाम भी राखे मतलब गई केवल मतलब जैसे नाम भी अगर विषय इंसान का अगर काम हुई जा तो सब कुछ आनंद हुई जा क्यों कम मारो जैसे नाम है वैसे अगर मारो काम हुई जा तो सब आनंद हुई जा तो मगर वो अनि प्रकार दुखियो महाराज अनि जंगल में मु मरवार लिए जेरो महाराज मगर आप मली गया आप अनि लिए आप रो मु वाता करवा लागी गयो मगर महाराज मु दो मिनट केड़ा भी मु मरवा वालो। तो भगवान क्यों कह रहे महाराज था मरो का हो कई कारण मरो। तो सदन जी महाराज क्योंकि हुकुम मु अनि ईशा वो मरना चोरू की मारा करे छोरा छोरी है तो चार दिन भूखाई मु उन्होंने खावर कई दे नहीं सकू मारो काम है भिक्षा मांगवा रो और मु भिक्षा मांगवा जाऊ तो चुई गर्र बहाने पहुंचू मन गर्र कमाड बंद कर दे या मने कई रे कई ताना देवे मतलब मने कोई भिक्षा भी नहीं दे भिक्षा भी मने नहीं देवे तो मु अणी लिया अणी तेने त्याग नो चेरू के जीवड़ा मु जीवत जी अगर मारा परिवार रो पालन पोषण नहीं कर सको तो मु आगो मरू मरिया केड़ा अगर जीवत जीव रहे हो जीवत रहे हो तो लोग मने ताना दे कर परिवार रो पालन पोषण नहीं कर सको बाप बिन कई काम रो अणी ले मु मरवा जरूर मरू उठा केड़े लोग तो यूं तो नहीं ओ तानो तो नहीं दे के बाप कई कर ही नहीं सक्यो। तो पंडित जी सदन जी महाराज ने केवल आगे कि हुकम आपने अगर मु एक चीज को रुवा चीज अगर आप करो कहीं करी सको तो बोले मु थाने चीज को एक महाराज सदानंद जी महाराज केवल लगा भगवान ने कि ओ महाराज आपरी बोली में अत्रो प्रभाव है आपरो रूप अत्रो मस्त है रूप में अत्रो रुवार भरियो लगो है आप जो केवो जो करवाने तैयार हो क्योंकि आपरी बोली मने अत्री प्यारी लगी रही आप अगर मने को के रूप हुका कुड़ा में फदकनो तो मैं फदकी जाऊं आपको भी महाराज अटे तो हुका वो हुकनो तो मैं हुकी जाऊं आप जो केवो जो मु करवाने तैयार हो आप केवो तो खरी। तो जो महाराज हां जो महाराज बना सदन जी महाराज ने केवल लगा कि ओ महाराज एक व्रत है वो व्रत अगर आप करी लो क्योंकि वो व्रत अत्रो उपकारी है थाने सब आनंद भेजी माने अत्रो विश्वास है। तो महाराज सदन जी महाराज बना महाराज ने केवल लगा कि हुकुम कई व्रत है किस तरह ने व्रत ने किस तरह कई करे मैंने बताई तो मुख करवाने त्यार है। भगवान केवल लगे कि सदन जी महाराज महीना में एक संक्रांति आवे जिन्हें आप ही केवा पूनम और सत्यनारायण भगवान रो एक व्रत है जो ये सत्यनारायण नाम होनियो सदन जी महाराज रो सदन जी महाराज मन में एक एक उत्तेजना आई कि मुंह आ चीज करी सकूं। भगवान केवल लगे कि महाराज महीना में एक संक्रांति आवे जने आप ही केवा पूनम मणि पूनम ने
भगवान सुबह वेगा उठो सबर प्रथम झूठ ने त्यागो आको दिन भगवान ना नाम रो व्रत करनो कि आज मारे व्रत है मु भगवान अन्न त्यागी रू भगवान ना नाम रो अन्न त्यागी रू श्याम रो बढ़िया केल कामड़ रो मंडप बनानो ऊंचो आसन सत्यनारायण भगवान ने बैठानो है बढ़िया कदली फल केला और फल भगवान ने चढ़ानो बढ़िया पंचामृत रो दूध दी घी शक्कर और शहद अना पांचानी मलई पंचामृत रो मनानो और भाई बंदर लारे सत्यनारायण भगवान की कथा ने करनी और कथा करीन बढ़िया प्रसाद ने वितरण करनो ओतरो काम अगर आप करी दो तो थन सब आनंद भी जी। तो सजनो कोई इंसान अगर बड़ी भावना रह के कई भी काम करे देखो आज ये कार्यक्रम रखियो अपना खैर मैं भी वैष्णव हूँ आप समाज में रखियो एक बड़ी भावना लेन रखियो है तो एक भगवान आप मन पूरा विश्वास है कार्यक्रम थानो सफल है क्योंकि आप बड़ी मोटी मोटो मन रखिन मोटी बड़ी बड़ी अच्छी भावना लेने आप ये काम कर रहे हो तो मन पूरा विश्वास है कि आप काम सफल है और भगवान आपने भी खूब खूब अन्न धन लक्ष्मी दे क्योंकि आप अनित कार्यक्रम करवे रहो मगर आज युग में स्टेज प्रोग्राम वेणो एक एक अलग काम वही जा मतलब स्टेज प्रोग्राम कोई मुन्ना में भी ले नहीं वो के स्टेज प्रोग्राम तो मेरा नाम दिमाग में एक अलग फितो रही जा कच्ची नाच व कूदवारी और वापी कसी एक तो वर्गल काम व्या करें एक अनर्गल काम व्या करें जो कि अपना अपने नीव है अपना अपने बहुत कम है अपना अपने सब मर्यादित काम है तो वशो भी कर सकता मगर सत्यनारायण भगवान व्रत बतायो उन्होंने वे वो व्रत आप करो। तो सजनो सदानंद जी महाराज मोटो मन रखिन क्योंकि महाराज आपरी बोली में अत्रो प्रभाव है आज मुयो भिक्षा मांगवा जाइरू आज मने जो भी भिक्षा माली जत्री भी माली बनी भिक्षा ने मो वेचिन प्या लाऊं प्या लेन आप जो पूजन सामग्री जो मने कह रहा हूं वो व्रत कह रहा हूं आज आज ही से मो सामान ले और अबे मीना में यदि भी संक्रांति आई बड़ी दिन मोनी सत्य व्रत ने मो मारा घरे जरूर करूंगा। तो सजनो देखो जुई भगवान रो नाम मुंडा पे आयो सदन जी महाराज रे मणि व्रत ने करू जुई प्रण लीदो उराटीनो लुगाया जो लुगाया सदन जी महाराज ने गाला देती के भाई जा जा आज भिक्षा नहीं है आज घरे रोटी नहीं बने जो लुगाया मनक सदन जी महाराज ने भीख देवो गाला देता मन ने भगाता वे मन में बैठा बैठा घरे विचार करे कि आज महाराज नहीं आया आज महाराज आदत में आज महाराज ने यह चीज देता आज महाराज आदत आज महाराज ने मक्की की बाटी देता आज महाराज आदत तो रात मारे काले गुलाब जामुन देता आज महाराज नहीं आया आज महाराज ने चक्के देता ऊ करता करता आका गांव में माधा बेना मनक सब यूं वाट नाल वाले लगी कि अभी महाराज आज का नहीं आया। देखो सत्यनारायण भगवान ने केवल नाम लीदो ने एक प्रण लीदो अतरी कृपा वेगी भगवान ने। तो सजनो सदनंद जी महाराज जो भिक्षा लेवा जावे मनक सदनंद जी महाराज ने बड़े बोला ओ महाराज हट्याओ ओ ले जाओ आप रे ये धान है ले जाओ ऊ करता 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 सदनंद जी महाराज ने जोली भरेगी। तो सजनो सदनंद जी महाराज वणी जोली वणी धान ने वेचो वेचिन प्याला इन सामग्री लाया पूजन की पूजन की सामग्री लाया और दो तीन दिन बाद संक्रांति आई पूनमई पूनम रदन गाडो भरी महाराज घरे सामान ले गया और सामान ले गई बढ़िया केल कामरे रो मंडप बनायो ऊंचो आसन सत्यनारायण भगवान रो बैठायो भगवान रो अनेक अनेक प्रकार फल फ्रूट चढ़ाया है फल फ्रूट चढ़ाया कदली फल भगवान ने चढ़ायो पंचामृत रो प्रसाद भगवान ने चढ़ायो और चढ़ाई भगवान ने केवा लगा सदन जी महाराज हे प्रभु मारा जसी भी टूटी फूटी कथा है टूटो फूटो भजन कीर्तन है जो भी है आप सब मलिन स्वीकार कर जो। तो देखो सदन जी महाराज अपना छोरा छोरी ने लारे लेन अपनी पत्नी ने लारे लेन भगवान विष्णु ने भगवान सत्यनारायण भगवान ने कई प्रकार मनावा लगा भगवान रो व्रत करवा लगा भगवान का भजन करवा लगा वटने वे भगवान का भजन करें आप भी अपने भगवान रो भजन करता लगा आप सत्यनारायण भगवान ने मनावा के हे प्रभु भगता रे करे आप जो भगवत गरीबाना करे पदार जो कि हे सत्यनारायण भगवान कड़ी प्रकार मनावे कि हे प्रभु के भाई अरे सांवरा थारी माया रो ए पायो ओ निपार। सदनंद जी महाराज मन में जो ही विचार करें सदन जी महाराज दनी एकदम चेंज हो जा एकदम चेंज हो जा तो कड़ी प्रकार सदन जी महाराज भगवान ने मनावे कड़ी प्रकार भगवान का भजन करे कि हे सामरा अरे भेद कोनी जानो रे दयालु दीना
सवरा थरी माया रो ए पायो कोनी पार जी सवरा थरी माया रो ए पायो कोनी पार पर भेद खोती जानो रे दयालु भगवान गौरा जाया बेलिया एक कमावे दिन रात गौरा जाया बेलिया कमावे दिन रात अरे बूटा कर कर में तेरे दयालु भगवान बूटा कर कर में तेरे दयालु दीनानाथ हरी माया रो ए पायो को निपान सबरा हरी माया रो ए पायो को निपान अरे वेद को नी जानो रे दयालु दीनानाथ बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो जय हो जय हो। तो सजनों भगवान का भजन कीता अनेक प्रकार का भजन कीता जो भगवान सत्यनारायण भगवान खुद भगवान सदन जी महाराज रे घरे पामणा व्या तो भगवान आया तो लारे लारे माता जी लक्ष्मी जी भी पधार्या सदन जी महाराज रे घरे सब आनंद वे गयो जनी जगह सदन जी महाराज जी झोपड़ी ही झोपड़ी जगह एक बढ़िया महल बनी गयो तीन चार पांच मंजिल रो और सदन जी महाराज एक प्रण ले ली तो कि ए दीदादन मने सत्यनारायण भगवान रा है महीना में मैं एक बार जरूर हमारा घरे सत्यनारायण भगवान री कथा कराऊं और कथा करें चार पांच भक्ता ने बुलाऊं बलाइन भगवान रा भजन करवाऊं। तो सजनो जो जो दन निकलता गया महीना में संक्रांति आती हर संक्रांति में सदन जी महाराज आप अपना घरे भगवान रो भजन करता भगवान री कथा करता सत्यनारायण भगवान रो व्रत रखा था। कुछ समय बाद सदन जी महाराज रो एक प्रिय मित्र हर इंसान रे एक अजीज मित्र व्या करे एक प्रिय मित्र व्या करे वणी में मित्र में काष्टी कई हूं जरूरी नहीं एक भाई कोई कनी कास्ट रो कई कई जाती रो एक पक्को मित्र व्या जणो भी जरूरी और वणी सदन जी महाराज भी पक्को मित्र हो जनो नाम हो देवा नाम रो भील भील समाज रो देवो वो भी वणी समय में जंटेम दुखरा दना वंटेम तोई लारी सरन जी महाराज भीख मांगता ना अटने देवो नाम रो बिल लकड़ी मूल्या वेसतो और परिवार रो गुजारो करतो। समय देखता कुछ एक महीनो वे गयो एक महीनो लगातार देवा नाम रो बिल बढ़िया मूली वणी लई जातो बाजार में मगर वणी मूली ने कोई खरीदता नहीं मना कहता कि देवा ने हमारा बिल थू काले आनी मोड़ी ने लाजे काले मु थूके ही जितना रिपा में आनी मोड़ी ले लो मगर प्रेजेंट में कोई नहीं लेता सब कहता भाई काले लाजे ने काले सब भूल जाता कोई काल कड़ी देखियो है कल कभी आता ही नहीं। दन निकलता गया देवा ने हमारा देवा बिल रा घर है देवा नाम बिल री लुगई और तो छोर छोरी भूखा मरता मरता मना मतलब जीव निकले जिसो समय आवा लगी गयो देवनावर बिल बाजार में गयो एक सेठ जी रे घरे को हुकुम सेठ जी मारा घरे छोर छोरी चार तनु भूखा है आप मारे नी मूली ने ले लो और कुछ पैसा दो जमा पैसा बाजार में जन कहीं सामान ले जाऊ घर ले जाऊ राशन और मारा छोरा छोरी भूखा है उन्होंने कहीं खबो सेठ जी केवल लगे कि देवा आज थारी मूली मारे नीच चावे मगर अनी मूली ने तू काले सुबह ले ही ना जे काले मु थारी मूली ले ले उन थारे जोतरा भी दाम भी वनी मूली न पिया मु थने सुबह दे दूंगा। तो सजनो देवा नाम रो बिल घरे गयो घरे जी ने अपनी लुगाई ने क्योंकि
छोरो छोरी ने आज किस तर भी करें तो हुआ दीजे, किस तर भी करें ना छोरे ने पानी पहन भी हुआ दीजे। काले सुबह मैंने सेठ जी क्यों है कि भाई सुबह तू मूली ला जे मुझे प्या दे दू, सुबह मुझ जातो की मूली वेची तो प्याल प्याले ने अपना छोर छोरी खावर चीजा मुझ सुबह लाओ। आज राज तू किस तर भी करें हुआ दीजिए। देखो वही समय में आप भली ये नरे जना नहीं लागे भाई ये केवल वाता है, मगर वाता नहीं है। पहले तो मन अनेक प्रकार का दुखी जरूर हाई सा, आज तो चलो कहीं भी करीन भी अभी गुजारो बसारो कर ला, मगर पहली मन घना दुखिया चार चार पांच पांच दिन उदी अनरो मतलब दर्शन भी नहीं वेता होना। तो देवन हमारा बिल सुबह वेगो उठो वे तो कि नहीं धोई जंगल में गयो, जंगल में जिन बढ़िया बढ़िया लाकड़िया काटी और हाउ बढ़िया खप्पर बांधो तगड़ो हेटो बांधी, क्योंकि आज शेठ जी मुँह करे जेरू थोड़ा हेली लकड़ी लेन जाऊं, हेलो थोड़ो खापा लेन जाऊं, शेठ जी राजी भी मैंने थोड़ा हेला प्या दे। तो सजनों समय नसीब कहता आवे नहीं है। जुई देवा नाम रो बिल बाने जी ने आवाजो खटखटायो, दरवाजो खटखटायो को उगम शेठ जी आप काले मने क्यों कि तू सुबह लेने आज लकड़िया मु लेने आयो आप यो लो और मने पैसा दो। बाग जोगू शेठ जी के जाने कटी काम काम रवसी भूत कटी जयरा कामरा प्रभोज कटी बाने जयरा विदेश में जुई दरवाजो खोलियो, दरवाजो खोलियो तो एकदम छोरा छोरी छोरा छोरी छोरा छोरी छोरा छोरी उगम आको मत करो रे अचारा। अरे टेंशन आको मत करो कहीं पहले तो मारे दुखी रहो था आको कराज मने और जोर गवान गानो पड़गो। तो देवा नाम रो बिल शेठ जी ने आवाज खटखटाए को हुकुम शेठ जी आप मारे यानी मूली ने लो। शेठ जी के जना कनी काम रा परबाजु जईरा जुई शेठ जी ने हमें दे शेठ जी दरवाजो खोलियो ने देवा नाम रो बिल बड़ी मूली लेने आगे आयो आगे इनको लो हुकुम शेठ जी या मूली और कटे नाकड़ी जो मने को था। शेठ जी की काम रा परबाजु जईरा शेठ जी रो दिमाग एकदम खराब है को जोरदार जोरदार खराब हो। देवा नाम रा बिल ने शेठ जी गाला देवा लागा के वारे अचारा अरे दुष्ट वारे पापी मुकड़ी कामरा पर बाजू कटी बहाने जाई रो और तू सुबह लेने ने लागड़ ने हम मारा लेन आयो मारा सगुन रा अपसगुन करता थारी या भूली अगर अबे होनारी भी वे तो मारे नीचे वानु लेन भागी जा बाकी थने बानु जरबा मेलुला। देवन नाम रे बिल नानो नानो वे नानो नानो मुंडो की तो को हुकम मने माफ करो आप कोई कामरा पर बाजू जरा मने नहीं ठाई, मगर आप मने काले क्यों कोई सुबह लेने जानी बातें मु लेन आयो मारा छोर छोरी घरे फूका मार बड़ा सेठ जी क्यों थारी आ मूली पली होना रिवे तो मारे नहीं चावे अने अटू लेन भागी जा बाकी थाने कुटूला। अब आपड़ो देवो मन में आसारी निराशा करतो लोगो थोड़ो साइड में गयो, साइड में जेन थोड़ो तो रोयो कि भाई मारा तकदीर में अशु कई लिखियो मारा जीवता जी मारा छोरो छोरी मर जाई और मु हाल कई नहीं कर सकू के खावा पीवारी व्यवस्था नहीं कर सकू। तो सजनो देवा नाम रा बिल पूरा मार्केट में फिर कणी वणी मूली लीधी नहीं। देवा नाम रा बिल कंठ हुकवा लगा पानी पीवार मन में भी हो। देवा नाम रा बिल मन में विचार की दो कि यार अणी अणी काशीपुरी में अपना एक पुराना एक दोस्त था सदानंद जी घनानी झूंगड़ी भी अटिस कटी है एक काम कर आप उन्हें घरे जावा क्योंकि प्यऊ प्या वाला राजी व्या करे गरीब गरीब राजी व्या करे हमेशा तो गरीब गरीब चाय पानी मनवार कर सके और कोई गरीब प्या वाला घर जाते रहे तो मैंने वो तवज्जो नहीं दे न कोई प्या वालों गरीब बार हटाई जाओ तो आप बिलीफी बना चाय पानी व्यवस्था कर सका। मगर देवन हमारा बिल सदन जी महाराज घर बहाने जैन देखे तो कई देखे कि जड़ी जगह झोपड़ी झोपड़ी जगह एक मोटो महल बने लोगो महल बने लोगो। देवन हमारा बिल मन में विचार की तो कि वो नहीं वो अपना सदन जी महाराज ने आना धक्को देन बहाने कर दे क्योंकि बहुत बड़ा गरीब और गरीबारी कोई होने भी नहीं गरीबा ने हर कोई लाता थे। मन में विचार की तो कि वो नहीं वो कोई कोई अपने सतन जी महाराज कनूरिया में दो पांच बड़ा का मेलिन उन्होंने तो बहाने बगाई दीदा है। वाह देव नाम रो बिल पाछ बनी मूली ने लेन जूं जावा लागो जावा लागो वणिस्तन संक्रांति रो दोनों सतन जी महाराज रे बनी बनी घर में ने कथा चाली रही कथारी आवाज देवा नाम रो बिल रे कानड़ा में होणी ने जूं होणी देवा नाम रो बिल एकदम रुक्यो रुकिन मन में विचार की तो कि वो मती वो अनि घर में भजन चाली रहा है और भजन में अक्सर सज्जन आदमी चावे मतलब अपने हरि का आदमी चावे गरीब आदमी कोई सज्जन मोटा दिल दिलेर वे दिल वालो आदमी वे तो इतनी कथा में जावे। तो सजनो देवा नाम रबिल मूली ने बहाने उपी कर और जुई वणी घर में वरना किया प्रवेश यो घर में वड़ो ने वड़े घर में कई देखे पांच पच्चीस भाई बांधारा
भाई बंद बैठा था का भाई बंदरा वचा वच सदानंद जी महाराज बड़े जाडा माडा वही बढ़िया महाराज रे गाबा पैर पैरान भगवान की कथा करन बैठा था का हमारा धीरज भैया रेवा बैठा था का बैठा था का देवे बिल मन में विचार की तो की वे बैठा था का तो है होड़के ही तो नहीं रहे क्योंकि थोड़ा जाडा वे गया थोड़ा गोरा भी वे गया मन में विचार की तो कि वो बेटा तका है कौन कोई बेटा तका कोई महाराज मोटा महाराज बेटा तका देखे भजन वेरा देव नाम रे बिल्कुल बेटा बेटा भजन होनी रो हुने भजन होनी रो सदन जी महाराज जी जो आंख खुली सदन जी महाराज आंख उठने उठने हटने उठने हटने देखो देखो तो जस्ट हमें देव नाम रे बिल उबो तको सदन जी महाराज रो मन अत्रो प्रसन्न वियो अत्रो प्रसन्न वियो कि मन में यूं विचार रहे को देखो ये भाई बन तो मारा पर रिपा आया जू आया और आप हमेशा जिंदगी में एक चीज और मन में एक चीज हमेशा याद रख जो कि अगर अपना पास रिपा है तो लोग अपना ला रहे क्योंकि अगर आप गरीब हाँ भाई आप बोली कई भी बेरो अपना ला रहे कोई अपना ला रहे अपना साथ नहीं दे अगर पैसा है तो लोग अपना साथ भी देवेगा बाकी कोई आपने वो नहीं पूछे कि भाई पानी पीतो नहीं पीतो तारा कंठ हो गया है कि नहीं की कर कहीं कहीं नहीं अगर पैसा है पैसा ही पूछा है क्योंकि पैसे बिना पिता कहे पूत कपूत भयो पैसे बिना माँ कहे बड़ो दुखदाई है पैसे बिना लुगई कहे नंगटे से ब्याव क्यों पैसे बिना मनुष्य की करत हंसाई है कहत कहे नवनलाल पैसे का अजब कयाल पैसे बिना मुर्दे को भी लकड़ी नहीं पही रिपा वे तो मरिया लगा आदमी ने भी लागड़िया मर जा मगर बाकी पड़िया रे मना कर कटी कड़ी नाले में पड़िया रे कटी कटी पड़िया रे बाणो फेरानी फोन पे भी नरो हीरो दो पांच लाख कटी पड़ी तकी कोई ले जा ही नहीं रो क्योंकि वे गरीब लोग हैं अनिल ले देखो केवल मतलब यो ही से भाई गरीबारी कोई होना ही नहीं करे तो सदन जी महाराज देवा नाम रा बिल ने देखिन क्योंकि यो गरीब गरीब गरीबी में यो मारो साथ दे तो ये भाई बन तुम्हारा पास रिपा है जू आया है यो देवा नाम रा बिल मुझ टाइम गरीब हो यो भी गरीब ओ मारो मने सा पानी रा बात पूछतो यो मारा बड़े बैठतो समय मने देवा नाम रा बिल री कदर करनी चाहे और हमेशा इंसान री कड़ी टाइम गरीब आदमी री कदर जरूर करनी चाहे कदर करवा टाइम पे अवश्य कदर करनी चाहे समय री कदर करनी चाहे बाकी कदी कदी गाड़ रासू सिंह हार जावे समय को भरोसो नहीं कदी पलटी मार जावे तो सरन जी महाराज देवा नाम रा बिल ने हेल्प पड़ो कि देवा नाम रा बिल हटिया क्योंकि वो ताकत ही भजन चल रहा है देवा नाम रा बिल ने कहीं होना ही नहीं सदन जी महाराज मैंने सवार मन का मैंने उठी देवा नाम रा बिल रा पास में जावे और पास में जिन देवा नाम रा बिल ने वो कहवे कि हे देवा बिल अरे तू घबरा मत टेंशन मत ले तू जो होशियो जो मुंह वही सु तू कई टेंशन मत ले अरे घबरा मत देवा घबरा मत तू जो होशियो सदानंद वही सदानंद जो आप ही वन टाइम गरीबी में ला रहे बेहता ला रहे पानी पीता देवा नाम रा बिल मन में विचार की तो को वो महाराज था और अशा एकदम यूं ओ कितर के चमक करो या तो था कटन कटे चोरी की थी चोरी रा रिपो था यो तो मोटो महल बनाने यूं नहीं यूं की दो या बजे थाने थाना बाप दादा कटी धन धन छपन गया वो धन थाने लादी क्यों जो था पिया वाला बनी गया कहीं कहीं मैंने ऐसी चीज है मैंने बताऊं मुंह थाने इन चीज नहीं मानू तो देवा नाम रा बिल सदन जी महाराज ने कहवे कि ओ सदन जी महाराज आप मने बताओ भाई आप अतरा रिपा वाला वण्या तो वण्या किस्तर तो सदन जी महाराज देवा नाम रा बिल ने कहवा लाग के हे देवा बिल अरे घबरा मत मु थने वतो मु कणी कारण वण्यो मारो कई व्यो ने किस्तर कई मु भगवान मारे पे अतरा मेहरबान क्यों व्या तू बैठ शांति पानी पी मु थने वतो कई कारण जो तो सदन जी महाराज देवा नाम रा बिल ने कणी प्रकार कहवा लगा कि हे देवा मु कणी प्रकार यो अतरो रिपा वाला वण्यो मारे पे अतरा भगवान रे लक्ष्मी क्यों आई कड़ी प्रकार देव बनावर बिल ने कड़ी प्रकार केवल लगा सदन जी महाराज के हे देवा अब तो तुम्हें पहचान लिया ओ मैंने अब तो तुम्हें पहचान लिया ओ सदानंद पंडित जी मैंने अब तो तुम्हें पहचान लिया अब तो तुम्हें पहचान लिया ओ सदानंद पंडित जी मैंने अब
तो तूने पहचान लिया। भगवान की जय हो। ओ सदानंद पंडित जी, मैंने अब तो तुम्हें पहचान लिया। यो आप रपा धन आयो तो आयो कुटु मने यो बताओ आप तो। सदन जी महाराज देवा नाम रा भील ने केवल लगे कि देवा नाम देवा भील एक समय री बात देवा मुं सब दापी क्यों मारा छोरा छोरी ने मुं कोई खवाई पेवाई नहीं सक्यो तो मुं अंत समय में मुं अनि प्राण ने त्याग वाला जंगल में क्यों जंगल में मने देवा नाम रा भील देवा भील मने एक महाराज में लिया और महाराज मने एक व्रत्रो वृतांत बतायो और वो व्रत्रो वृतांत में मारा घरे की दो देवा नाम रा भील देवा भील तू माने नहीं माने सब बड़ी व्रत्र कृपा है सब बड़ी सत्यनारायण भगवान की कृपा भी मारा पावी जो आज मारा अशद नहीं गया। देवो भील मन में विचार करो लगो कि मारे महाराज आप अतरा खतरनाक और अतरा रिपा वाला एकदम यो किस तरह बने तो सदन जी महाराज देवा नाम रा भील ने केवल लगे कि देवा मारो लाल रे या वीती अणि लिए मो यो अशो मारा अशद धन आया बाकी मो मारा अशद धन कटे हो बाकी कमाई करवो तो अतरो एकदम पिया वालो तो कोई वण्यो नहीं ने बने अणि लिए देवा भील माने नहीं माने मु थने मारी मारी बात माने तो तू थारा घरे भी आस ओ व्रत 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 रो वितांत कर भगवान थारा घरे भी पामण आवे। तो सजनो मन मोटो है क्योंकि मन चंगा तो कसोटी में गंगा। हमेशा कोई इंसान मन मोटो राखे तो भगवान मने भी वो लागे भाई अनो इंसान रो मन मोटो तो भगवान भी मने मोटो मन राखी भगवान भी मोटो मन राखी तो मना ने टूट पड़े भगवान मने भी कई भी सुख समृद्धि दे। फिर कोई इंसान रो मन मोटो है और कने मन में कई कपट भरी हुए कने प्रति द्वेष भावना भरी हुए कने प्रति यू कने नीचे नाक वाली कई वसी भावना भरी हुए तो भगवान भी मने जशो जो आदमी हो से क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा हो जाता है उसके साथ हो जाता है। अणि वाजे भगवान भी यूज क्यों भाई तू तू वो कर जो मैं चाहता हूं फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। भगवान भी आज चीज कहवे भाई तू एक बार मुंह क्यों जो कर पचे थू जो चाहे जो थू के जो भाई जी सब टेंशन मत ले केवल मतलब तो सरन जी महाराज देवा भील ने कहवे कि बैल थारा घरे भी अणि सत्यनारायण भगवान नो व्रत ने कर तेरे परिवार लारे करजे भगवान थारे भी पामणा है। तो देव नाम रा भील मन मोटो राखी क्योंकि हुकम मु नाम जात मारी जात है भील जाति रो हूं भील समाज में बिलोंग करूं मारा करे कि भगवान कहीं आई होगी। तो भगवान ने देव नाम रा भील ने सदन जी महाराज केवल लगे करे देवा कई वेंडी बात करे जात जात का पावना जात जात में जाए हरि की जात अजात ही हरि सभी जात में जाए हैं भगवान की जात बात नहीं भगवान हर जात में जा सके क्योंकि कद सबरी चोखो दियो कद रघुवर पूछी जात प्रीत पुराने कारण फल खाए रघुनाथ मणि सबरी बिल भाभी तो बिल ही रहे वना करे भी भगवान झूठा वो भी झूठा बेर खवर वास्ते आया। और थुया बात करो कबीर कूड़ो एक है पणिहारिया अनेक भेद भयो वर्तन रे माई को एक को पानी एक को है केवर मतलब कूड़ो एक है वो सब जना पानी ले जावे कोई साधु ले जावे कोई ब्राह्मण ले जावे कोई कुमावत ले जावे कोई भील ले जावे कोई हर इंसान पानी मनी कूड़ा मुले जा सके रहा केवर मतलब यो की जात जात अरे मैं कई हूं नहीं राखे भाई ब्राह्मण मनाए तो इस भगवान आई या साधु मनाए तो इस भगवान आई कोई भील समाज रो मनक मनाए तो भगवान नहीं भगवान सब समाज में जावे सब भगवान सब रवाते एक है और सब जाति भगवान रवाते भी एक है। तो देवा नाम रा भील मन मोटो मन राखी क्योंकि महाराज आज मु मारी मूली जो वकी जई तोणी मूली रा प्या मु मारा घरे छोर छोरी भूखा मरना छोई मरता कई दिक्कत नी मु ओणी रिपाऊ मारा घरे अणी व्रत रो वितांत ने अणी व्रत ने मु करू का सामग्री ले जई जुई देवा नाम रा भील भगवान रा बात या चीज होची और जो पाने मूली पड़ी तकी लकड़िया री वा एकदम चंदन री वे और चंदन री खुशबू आवे लगी आसपास रवणी एरिया में आसपास रह रहे हम चंदन ने एकदम खुशबू आवा लगी वा साहब देव नाम रो बिल मैंने यू प्रण करीन जुई बड़ी महल मु निकलो सदन जी महाराज रा और बाने हैं देखे कई देखे जो जो शेठ जी देव नाम रो बिल रे बणी मूली ने उक्यो भी आ मूली बब्बे नी चावे मारे थारी मूली मूली होनरी होते मारे नी चावे वे जतरा भी शेठ जी बणी मूली रो कोरे कोरे फरीरा की मूली रो मालिक कोने येटे आवे तो मुणा ने मूली प्या दे मूली ले जावा
जो देव नाम रिले मूली पास में क्यों एक सेठ जी बोलो लगा कि ओ बाब जी ये मूली बेचने की यानी मूली ने मुंह 20 रुपए में खरीदू, दूसरा सेठ क्यों मुंह 40 में खरीदू, तीसरे के मुंह 8 में खरीदू, कोई के मुंह 80 में करता करता यूं रेटा वधी यूं मार्केट में बड़ी मूली ने रेटा वधी। देखो भगवान री अत्री कृपा भी, अत्री कृपा भी, जो मूली कोई नहीं रहो वह मूली देवा नाम रा बिल 10,000 रुपए में वकी वह मूली 10,000 रुपए में पची। आप अगर भगवान ने नहीं माना तो वो देखो अपनी इच्छा है। वो आपने हर बार आज चीज कहूंगा और कहते रह रू कि भाई मन मोटो राख, हर इंसान उन्हीं भाई को भाई महाराज वे पहली कथा करता जिस करता कोई कोई दूसरा आदमी भी करी ऐसे पॉसिबल भी नहीं है। सबारी अलग अलग फितरत व्या करें, सब अलग अलग तरीकों में कथा करें। आज मारे कुछ प्रॉब्लम है नहीं लिया आपने मुंह व्यवस्थित तरीकों नहीं कह सकूं, मगर आप मन ने मोटो राख जो आप पाचे पाचे बटने दे दो चाय बटने। अरे बाबू जी बटने पाचे बटन बन चाय दे दो पहले केवल मतलब मोटो मन राखी भगवान की भक्ति करना है। वो बेफिक्र टेंशन लेनी भी नहीं भाई का मु प्या खर्च करूं यार एक काम करूं यार एक काम 1,000 रुपए से खर्च करूं 1,00,000 रुपए खर्च नहीं करूं भगवान का नाम रा भगवान रा दिल खोली ने खर्च करो आप खर्च करो तो मने अतरो विश्वास है भगवान आपने खूब दी देवा नाम रो बिल 10,000 रुपए में वहां मूली वकी वकीन में 10,000 रुपए लेके बाजार में ले सामग्री ली थी पुजारी पुजारी सामग्री लेन घरे क्यों गाड़ो परिन घरे ले जायो घरे ले जाए वना छोरा छोरी ने क्यों कहा रे छोरा छोरी आओ रे भाई बंदा ने बुलाया का आओ रे आओ आज आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करा। तो सजनो कुछ दिन बाद महीना री संक्रांति पूनमई पूनमई तो देवा नाम रे बिल सुबह उठ्यो ना धोई लुगई दो जना ना धोई पवित्र व्या पवित्र ने व्रत राख्यो भगवान रो नाम रो व्रत राखी हाजे बढ़िया केल काम रो मंडप सजायो ऊंचो आसन सत्यनारायण भगवान ने बैठाया बढ़िया कदली फल भगवान ने चढ़ायो पंचामृत भगवान ने भोग लगायो है और दो पांच भाई बंदा ने बुलाई देवा नाम रो बिल और बिल समाज जतरा भी लोग मलिन भगवान सत्यनारायण भगवान ने कड़ी प्रकार मनाया क्योंकि देखो बिल समाज रे लोग भगवान ने कड़ी प्रकार मनावे तो देखो वो वही प्रकार आप आज नहीं सत्संग में आज नहीं कथा में आप सभी मल भगवान सत्यनारायण भगवान ने बिल समाज रे लोग कड़ी प्रकार मनावे जो आप सब जना मल मनावा कि हे सत्यनारायण भगवान देवा नाम रा बिल रे करे भी तू पामणो विजय मारा नाथ और जतरा भी आज अनी कथा में विराजमान अनी कामारी धरती पर हे मारा सत्यनारायण भगवान तू मने अनी राजू दास ने देह ने दे कई दिक्कत नहीं है मगर जतरा भी थारी अनी कथा ने श्रवण कर रहा है कथना ने होनी रहा है जणी भी प्रकार मु गुरु होनी रहा है अना सभा ने मारा सत्यनारायण भगवान सभा ने थोड़ो थोड़ो दीजे मारा नाथ सवारे धन लक्ष्मी दीजे सवारे आनंद कर जे तो देवा नाम रो बिल अपना करे जिन भगवान ने कई प्रकार मनावे और बहुत सुंदर तरीको देवा नाम रो बिल करे अपना भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा ने करे और भगवान ने मनावे और कई प्रकार मनावे कहे सत्य देवा ए मारी विनती ने ए सुनी तो ए भगतारे भीड़ुआ जो सत्य देवा ये मारी गलती गुना ने ये करी जो माफ ये भगता पर कृपा कर दो देवा मैं हूं गरीब बोली जात
अरे नी देवारी वेला आजो कमारी धरती पर आवो तो ए भक्ता ने दर्शन देवो सत्यनारायण भगवान की जय हो जय हो। तो सजनों देव नाम रबिल अनी प्रकार सत्यनारायण भगवान ने मनाया और अतरा मनाया अतरा मनाया सत्यनारायण भगवान उन्होंने घरे पामना व्या और पामना में तो लक्ष्मी जी भी लारे नहीं रहा। लक्ष्मी जी भी खूब अंटूट वर्षिया और जत्रे देव नाम रबिल जीव चोरियो उधर सत्यनारायण भगवान ने कदी नहीं भूलियो और सदनंद जी महाराज और देवा नाम रो बिल दोई जत तक जीवता रिया भगवान रो भजन करता रिया भगवान सत्यनारायण भगवान ने कदे नहीं भूले भगवान ने याद करता लगा याद करता रिया और अणी जगह अपने अड़ी कथा रहा हूं दूसरो अध्याय संपूर्ण व्यो और आप सभी जना एक बार सभी जोड़ा जय घोष करवा रहा तैयार एक बार जतरा बैठो जोरदार जय घोष कर जो बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो जय हो।